हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आई होप आपके प्रैक्टिकल सारे सही से गए हैं, बहुत अच्छे से आपने दिया होगा। अब बात आती है थ्योरी की, तो मैं इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस के थ्योरी पेपर से रिलेटेड कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। एक बुक को रिकमेंड करने वाला हूँ जिससे आप पढ़ेंगे, आपके लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मैं बुक रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो अरिहंत की पब्लिश्ड बुक है, ये वाली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ISC चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर्स कंप्यूटर साइंस की क्लास 12 की। इसमें 2005 से लेके 2018 तक के सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट है जो थ्योरी में आ चुके हैं। ना इस बुक की खास बात क्या है कि इस बुक में सारे चैप्टर्स है प्रेजेंट जो सिलेबस में हैं, और चैप्टर्स में जो रिक्वायर्ड थ्योरी है जितना आपको जानना ज़रूरी है। नॉर्मली बुक्स में क्या होता है कि एक्स्ट्रा थ्योरी एक्स्ट्रा पोर्शंस दिए हुए रहते हैं, तो अगेन उसको यूज़ करना एज अ रिविजन टूल वो सही नहीं होता है। तो मैं इसलिए ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये बुक। दोस्तों, मैं इस बुक के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ये आपको इजीली अमेज़न पे मिल जाएगी। आप जल्द से जल्द इसको ऑर्डर कीजिए, एक दो दिन के अंदर। आपके पास अगर अमेज़न प्राइम है तो आपको दो दिन के अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर आप देखते हैं कि ये आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन, तो आप ये ऑफलाइन भी जाके ख़रीद सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आप अमेज़न की जो लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको यूज़ करके आप ऑर्डर करें। आप देखिएगा इसमें चैप्टर वाइज देखिए आप थ्योरीज भी दिए हुए हैं, और उस चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर के एंड में आप देखिएगा एक सेक्शन है जहाँ पर प्रीवियस ईयर्स बोल करके हेडिंग है, प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, जहाँ पर 2018 यानी लास्ट जो एग्ज़ाम हुई थी 2018 से लेकर 2005 तक के जितनी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड्स के, उन सब के क्वेश्चंस हैं अलॉन्ग विथ सॉल्यूशंस हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिविजन टूल है आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे चैप्टर्स प्रेजेंट है। आप चैप्टर्स बोलिए, बूलियन अलजेब्रा बोलिए, के मैप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, के मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, उसके बाद हार्डवेयर से रिलेटेड, गेट से रिलेटेड हो, जावा फंडामेंटल से रिलेटेड हो, मेथड्स हो, एरेज हो, स्ट्रिंग्स हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, इनहेरिटेंस, डेटा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, सारे चैप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है विद द सफिशियंट अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड नोट्स। जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रेजेंट है इसमें। आप इतना सिर्फ ये बुक को ही आप पढ़ के अगर जाएंगे तो ये गारंटीड है आप 70 में से 60 तो बिल्कुल भी लेकर के आ सकते हैं आसानी से एकदम। तो इस बुक के अलावा अब इस बुक से भी इसको छाटना नहीं है आपको ना। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, अब इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढेंगे, कुछ इसमें से लीव करेंगे। तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि इसमें जो रिक्वायर्ड थ्योरी एक बार आप गो थ्रू कीजिए, रीड कीजिए, और एटलीस्ट 2015 से लेकर के 2018 के जो क्वेश्चंस हैं, 2015, 2016, 2017, 2018, ये जो चार साल के जो क्वेश्चंस हैं जो इसमें हर चैप्टर के एंड में दिए हैं, आप उसको अच्छे से करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें। अगर डायग्राम्स है, के मैप्स है, तो बिल्कुल भी लिख करके उसको प्रैक्टिस करें। दोस्तों, इस बुक के एंड में कुछ सैम्पल पेपर्स भी दिए हुए हैं, सॉल्व भी और अनसॉल्व भी। इसमें एक पेपर हमारा भी है, गाइड फॉर स्कूल का भी पेपर है, हमने एक स्पेसिमेन पेपर तैयार किया था, तो वो भी इस बुक में एडेड है। जो आप स्पेसिमेन 3 देख रहे हैं यहाँ पे, स्पेसिमेन 3 एक्चुअली हमारा पेपर है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द कुछ वीडियोस रिलीज़ करूँगा जिसमें मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थ्योरीज को डिस्कस करूँगा, जैसे के मैप हुआ, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना, बाइनरी ट्रीज वगैरह। दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्द से जल्द जाकर के उस बुक को ऑर्डर कर दीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाएगी, तो आप जाकर के ऐसे किसी लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। हमारे सारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह में, और उन्हें सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।